नमस्कार मित्रों, आज है 12 नवंबर 2021। देखते हैं कि आज के 24x7 ऑफलाइन क्विज में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक विटामिन है? तो विटामिन राइबोफ्लोविन विटामिन है, राइबो विटामिन का नाम है, राइबोफ्लोविन है। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दो है, ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल मीटर में कितना बड़ा होता है? तो इसकी लंबाई 50 मीटर होती है और 25 मीटर चौड़ा होता है स्विमिंग पूल, जिसमें ओलंपिक खेल में तैराक प्रतियोगिता होती है। तो विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर तीन है, मिट्टी में कितने प्रतिशत भोजन प्राप्त होता है? तो 95% भोजन जो है मिट्टी से ही प्राप्त किया जाता है। विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर चार है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। विकल्प बी। पांचवा प्रश्न है, नदी के किस भाग की ढाल सबसे तेज होती है? तो जब नदी जहाँ से शुरुआत निकलती है वहाँ से तेज ढाल होता है, जिसके कारण बहुत तेज नदी बहती है। तो इसका ऊपरी हिस्सा जो है ये होगा, विकल्प सी। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है? तो मधुशाला बहुत प्रसिद्ध किताब है, तो हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाया गया है? तो सारे लोग जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा किराया गया था अपनी पत्नी मुमताज बेगम के याद में। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पुराने चर्चों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगालियों का राज्य था पहले, वहां पर पुराने चर्चों का निर्माण भी पहले ही हुआ, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पहले गोवा में ही हुआ था। तो गोवा लगाते 1510 में गोवा में पुर्तगालियों की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। किस बॉलीवुड अभिनेता को विक्टोरियन सरकार द्वारा सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विक्टोरियन पुरस्कार शाहरुख खान को सम्मानित किया गया सिनेमा में उत्कृष्टता के। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय बड़े बांध आयोग का मुख्यालय कहाँ है जो इस साल की शुरुआत में चर्चा में था? तो ये ICOLD, ये है पेरिस में, पेरिस लगाते हैं, बड़े बांधों का आयोग बनाया गया है पेरिस। इस तरह सारे 10 प्रश्न सही हुए हम लोगों के और 1000 बोनस पॉइंट मिला। तो नमस्कार मित्रों, फिर अगले दिन मिलेंगे। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।